नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन सतगुरु में। और मैं आज अंकुर कुमार फिर से आ रही हूँ आपके सामने टाइम मॉडल के कुछ क्वेश्चन लेकर के। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी इफिशियंसी के बारे में, इफिशियंसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन किए थे। आज फिर हम बात करने वाले इफिशियंसी के क्वेश्चन के बारे में, तो दक्षता पर आधारित क्वेश्चन, यही तो हम बात करते हैं क्षमता या दक्षता, बात एक ही है, उसी पर आधारित क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि एक किसी कार्य ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी अधिक है, इस बात पर ध्यान देना है कि क्या बोला उसने, दुगनी अधिक है। और ए किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, उसने जो ये बोला है ना, ये दुगनी अधिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इफिशियंसी के बारे में और तीनों के बारे में डिस्कस करें। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जो हमारी इफिशियंसी होती है वो डायरेक्टली क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, डी इसके। यानी कि अगर मेरा जितने दिन में कम लूंगा इफिशियंसी उतनी ज्यादा होगी। मैं कह सकता हूं अगर मेरी इफिशियंसी ज्यादा है तो मैं दिन वही कम लूंगा। अगर किसी की इफिशियंसी कम है तो ज्यादा दिन लेगा, और किसी की इफिशियंसी ज्यादा है तो कम दिन लेगा। तो इसी पर बात करेंगे कि उसने बोला है कि बी की कार्य क्षमता से दुगनी अधिक है, तो बी की मान लेंगे हम। वो बोलता है ए की अधिक है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता दोनों देता हूं, हम क्या करेंगे बी के मानेंगे। बी कितना, अगर बी हमने माना एक है तो ए की कार्य क्षमता कितनी होगी, दुगनी अधिक। अब इसका दुगना कितना, प्लस टू। अब इसकी दुगनी अधिक यानी दो अधिक होगी तो कितनी होगी, ए कितना होगा यहां पर हमारा, तीन होगा। क्या होगा ये, तीन होगा। और ये हमारा जो रेशियो निकल के आया, ये आया हमारा इफिशियंसी, यानी कि हमारे पास अब आ गई इफिशियंसी। अब इसकी ए की इफिशियंसी तीन आ गई, बी की आ गई एक। मैंने बोला था जितनी ज्यादा इफिशियंसी होगी उतने दिन कम लेगा भाई, जिसकी ज्यादा इफिशियंसी उसके उतने दिन कम। ज्यादा इफिशियंसी किसकी है, ए की, तो ए कम दिन लेगा, यानी किसका रेशो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर मैं दिनों का रेशो निकाल दूंगा तो आपस में क्या हो जाएगा, चेंज, इसका एक हो जाएगा और ये तीन आ जाएगा। अब अगर हम बात रेशो कर रहे हैं तो ये कोई ना कोई नंबर से कटा हुआ जरूर, सपोज दैट ये 1x होगा और ये 3x होगा। वही क्या बोला है क्वेश्चन में कि ए किसी कार्य, ए उसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से कितने दिन में कर रहा है, ए एक एक्स दिन में, यानी कि एक्स एक एक्स बराबर किसके होगा, 16 के। क्वेश्चन ने बोला ना कि ए किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से क्वेश्चन कितने में कर रहा है, 1x में। तो ये क्या मैं 3x निकाल सकता हूं, बिल्कुल। तो 3x बराबर किसके होंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 48। अब हमारे पास आ गया कि ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है कि ना, बी उसी काम को 48 दिन में करता है। यहां वो ये ना पूछ के ये बोल देता है कि दोनों का मिलकर उसी काम को बोल देता है कि बी कितने दिन में करेगा, तो हमारा क्वेश्चन नहीं खत्म था, बी कितने दिन में कर रहा है, 48 दिन में। लेकिन उसने बोल रहा है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिक रूल लगाएंगे। सबसे पहले ए हमारा 16 डेज, बी हमारा 48 डेज, दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। जैसे कि पहले वीडियो में बताया था मैंने, काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 48 आ गया। अब 48 एलसीएम आएगा, एफिशिएंसी दे रखी ये इसकी तीन, अगर नहीं भी ज्योति निकालने के लिए क्या करते हैं, 48 को 60 से डिवाइड करते कितना आता, 3, और 48 को 48 से डिवाइड करते कितना आता, 1। लेकिन वहां पहले डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, वही एफिशिएंसी हम यहां डिवाइड कर देंगे। तो अब ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे, हमारा मिलकर ए प्लस बी मिलकर कितना करेंगे, 4 काम। जब ए प्लस बी एक दिन में 4 काम करेंगे, 48 काम है हमारा टोटल, 48 काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, दिन निकालने के लिए क्या करूं मैं, डब्ल्यू अपॉन इफिशियंसी, यानी कि दिन निकालने के लिए मेरा टोटल काम कितना है, 48 अपॉन इफिशियंसी कितनी है, 4, तो आ गया हमारा 12 दिन। समझ में यहां तक बात, कोई क्लियर, कोई डाउट, कुछ नहीं करना। सबसे पहले निकालना, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि दुगनी अधिक, दुगनी अधिक, हाँ दुगनी ना देकर, अधिक ना देकर के केवल ये बोल देता कि दुगनी है, तो मैं क्या करता, दुगनी लिखता, अगर मैं फिर क्या करता, बी को मैं लिखता एक और ए को क्या करता मैं 2 लिख देता। लेकिन उसने ये नहीं बोला, उसने बोला है कि दुगनी अधिक है, तो दुगनी अधिक के लिए मैंने 3 माना उसको, फिर मैंने क्या किया, इफिशियंसी का रेशियो निकल गया, निकालने के लिए मैंने दिन का रेशियो को चेंज कर दिया। अब 1x बराबर मेरा 16 के है, तो 3x में निकाल दे, 48 आ गया। अब फिर से हमारे पास जब ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 48 दिन में कर रहा है,
तो क्वेश्चन को इस प्रकार से करेंगे, जैसे कि निकल गया हमारा कितना, अब हमने एलसीएम, ए हमारा 16 आ गया, बी हमारा 48 आ गया। अब 48 आने के बाद फिर से बेसिक रूल लगाना है, वही जो पहले वीडियो में बताया था कि काम निकालने के लिए हम एलसीएम लेंगे, और एलसीएम कितना आ गया हमारा 48, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 1। अब ए और बी मिलकर कितना काम करें दिन में, 4 काम। जब ए और बी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, हमारे पास काम कितना है 48, और 48 काम हो कितने में खत्म कर देंगे वो 12 दिन में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है कि ए का 3 दिन का कार्य बी के 5 दिन के किए गए कार्य के बराबर है। इस बार उसने क्या बोला है कि ए का जो 3 दिन का कार्य है वो बी के 5 दिन के किए गए कार्य के बराबर है। यदि ए कार्य को 15 दिन में करता है तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। यही एक क्वेश्चन पर देखेंगे, लिखेंगे, आराम से समझेंगे प्यार से। सबसे पहले देखेंगे दिया क्या है कि ए का जो 3 दिन का कार्य, यानी कि ए अगर ए का जो 3 दिन में जो काम कर रहा है वो किसके बराबर है, बी के 5 दिन के काम के, यानी कि बी के 5 दिन का, यानी कि 3 ए जितना काम मिलकर करते हैं उतना ही 5 बी मिलकर करते हैं। तो क्या यहां से मैं ए और बी का रेशो निकाल लूंगा, बिल्कुल, ए और बी का रेशो कितना जाएगा हमारा, ए अपॉन बी कितना है हमारा, ये 5/3। ये जो निकल के आया हमारा 5/3, ये निकल के आया हमारा इफिशियंसी का रेशो, यानी कि मैं कह सकता हूं अगर ए की इफिशियंसी 5 है तो बी की कितनी होगी, 3 होगी। अब मेरे पास ये इफिशियंसी का रेशो आ गया, मैं दिनों का रेशो निकालने के लिए क्या करूंगा, इसको इंटरचेंज करूंगा, यानी कि अगर इफिशियंसी इसकी 5 और 3 है तो ये दिन कितने ले रहे होंगे आपस में, ये 3 दिन ले रहा होगा और ये 5 दिन ले रहा होगा। वही करेंगे, इसको एक्स मान लेंगे, इसको भी एक्स, यानी कि 3x या 5x। अब जब मैं, मुझे क्या दिया है क्वेश्चन, दिया है कि ए कार्य को 15 दिन में करता है, लेकिन ए कितना कर रहा है यहां पर 3x डेज में। अब यही 3x मेरे किसके बराबर होंगे, 15 दिन के बराबर। जब 3x 15 दिन के बराबर तो 1x मेरा आया 5 के बराबर, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो x बराबर है वो 5 के है, 1x की वैल्यू मेरी 5 आ गई। अब b मेरा कितने दिन में काम कर रहा है, b कर रहा है 5x डेज में, तो जब मेरे पास x की वैल्यू 5 है तो मैं क्या 5x बराबर निकाल सकता हूं, बिल्कुल, 5 × 5 बराबर 25 दिन, यानी कि मेरा b अकेला कितने दिन में काम करेगा यहां पर 25 दिन में। सिंपल है, कुछ नहीं करना, उसे दिया है कि a का 3 दिन किया गया कार्य b के 5 दिन किए गए कार्य के बराबर है। जब a का 3 दिन कार्य b के 5 दिन के बराबर है, यहां से मैंने क्या किया, रेशो निकाल लिया, रेशो निकल गया हमारा 5/3, ये 5 और 3 निकल गया इफिशियंसी का रेशो, और दिनों का रेशो निकालने के लिए क्या किया मैंने, ये 3x और ये 5x। अब ये 3x दिया गया हमारे डेज किसके, a के, और यही a के कितने दिन है 15 दिन, कितने दिन 15 दिन, मैंने 3x और का 15 के बराबर तो 5x, जब 3x बराबर 15 है तो 5x बराबर 25। सिंपल, यहां तक कोई डाउट क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला टाइप देखेंगे हम, जब दोनों बारी बारी से कार्य करें, यानी कि एक दिन ए कार्य कर रहा है, फिर इसके लिए कौन कर रहा है, बी कार्य करता है। जैसे कि दिया गया है कि यदि ए किसी कार्य को 16 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 48 दिन में करता है, यदि वे दोनों बारी बारी से कार्य करते हैं और पहले दिन कौन कार्य करता है, ए कार्य करता है, तो कार्य कितने दिन तक चलेगा। कहने का मतलब ये है कि पहले ए आया हमारे पास कार्य का, फिर ए चलेगा, फिर बी आया, फिर ऐसे ही ए आया और फिर बी आया। पहले दिन ए ने कार्य किया, ये कार्य के छोड़कर चला गया, फिर अगले दिन बी आया, ये चला गया, फिर ए आया, फिर बी आया, यानी कि साइकिल ऐसे ही चलती जाएगी। तो इस तरह कार्य, इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखा कि ए कितने दिन में काम कर रहा है, ए कर रहा है हमारा, इफिशियंसी निकाल देंगे, ए कर रहा है हमारा 16 दिन, 16 दिन, बी कर रहा है काम को 48 दिन, तो इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करूंगा मैं इनका, एलसीएम लूंगा 48, इसकी इफिशियंसी 3 आ गई और इसकी 1 आ गई। यहां से मतलब मुझे पता चला कि मेरा टोटल काम कितना है 48 है, और ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। यदि पहले दिन ए कार्य रिफर करता है, ए ने काम शुरू किया, ए हमारा काम पर आ गया, उसने 3 काम किया,
फिर इसकी पारी है बी की। अब बी आया, बी ने एक काम किया, दिन कितने हो गए हमारे पास दो। अब दो दिन में हमारा टोटल काम कितना हो गया चार काम। फिर से ऐसे ही ए आएगा, फिर इसने तीन काम किया, फिर बी आया, फिर इसने एक काम किया, फिर से अगले दो दिन में कितना काम हो गया हमारा चार काम। यानी कि ऐसे ही काम करते चल जाएंगे जब तक कि कार्य समाप्त ना हो जाए। तो जब हमारा दो दिन में एक काम हो रहा है, फिर अगले दो दिन में फिर दो दिन में चार काम हो रहा है, सॉरी फिर अगले दिन में फिर दो दिन में चार काम हो रहा है, तो ऐसे ही कार्य कितनी देर समाप्त होगा मेरे पास जब दो दिन में। अब मैं क्या करूंगा, कार्य कितना है मेरा भाई, एक साइकिल मेरा दो दिन का है और कार्य कितना मेरा 48 डेज, यानी कि 48 डेज को 48 काम है जब मेरा, और मेरा एक दो दिन में कितना काम हो रहा है चार, तो ऐसे कितने साइकिल बन जाएंगे, एक साइकिल तो दो दिन चार काम हो रहा है, तो ऐसे साइकिल बन जाएंगे कितने 12। अब ये 12 साइकिल हुए, साइकिल कितने हमारे 12। जब 12 साइकिल हो गए हमारे और एक साइकिल हमारा कितने दिन का है दो दिन का, तो दिन निकालने के लिए क्या करूं मैं, दो से मल्टीप्लाई यानी कि 24 दिन। अगर वो बारी बारी से काम करते हैं तो काम कितने दिन तक चलेगा 24 दिन तक। सिंपल है, दोबारा समझेंगे, यदि ए को ए ने 16 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 48 दिन में कर रहा है, इनकी एफिशिएंसी आ गई 3 और 1। मेरा ए एक दिन में तीन काम कर रहा है, मैंने कहा ए काम करो और वो उसने ए ने काम किया कितना 3, उसने तीन काम किया वो फिर काम थोड़ा चला गया, फिर से कौन आया बी, उसने काम किया कितना 1, यानी कि हमारा दो दिन में एक साइकिल कंप्लीट हो गया और काम कितना कंप्लीट हो गया हमारा चार काम। जब दो दिन में चार काम करे यानी कि मुझे पता है कि एक साइकिल में चार काम हो रहा है, तो ऐसे ऐसे कितने साइकिल निकालने के लिए क्या बोलना है, यानी कि साइकिल बोलते हैं, जैसे कि अगर एक आया ए फिर बी आया, ये एक पूरा चक्र कंप्लीट हो गया, यानी कि ए ने काम किया बी ने काम किया एक चक्र कंप्लीट, फिर से ऐसे ही फिर ए काम करेगा फिर बी, तो ऐसे ही ये काम चलता चल जाए कब तक की जब तक हमारा काम खत्म ना हो जाए। तो क्या करेंगे हम, एक साइकिल चार दिन का, तो अब साइकिल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इससे ये जो नंबर आया इससे क्या करेंगे, इस 48 को डिवाइड करेंगे, कितना आया चार से काटना कितनी 12 चौक 48 आ गया हमारा 12 साइकिल, यानी कि ऐसे ऐसे दो दो दिन के 12 काम हो 12 साइकिल होंगे हमारे, तो 12 साइकिल हो गए तो दिन निकालने के लिए एक साइकिल में दो दिन और दिन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा दो से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा हमारा 24 डेज। ठीक है, सिंपल है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अगले क्वेश्चन में बताओ, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इस बार क्या था, पहले उसने दिए थे दो, इस बार दिए उसने तीन, यदि ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रम से 12, 18 तथा 36 दिन में करते हैं, यदि बारी बारी से काम करे और एक कार्य करना प्रारंभ करे तो कार्य कितने दिन तक चलेगा। फिर से वही सवाल है, बारी बारी से काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले वही हम क्या करेंगे, इनका डिविजन से निकाल देंगे, ए ये बी और ए सी कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है हमारा 12 में, बी कर रहा है कितना 18 में, और सी कर रहा 36 यानी 36 दिन में। तो यहां एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले वही काम करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम कितना है हमारा 36। अब 36 इसकी डिविजन से निकालने के लिए क्या करूं मैं, 36 को 12 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 3, अब 18 36 को डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा 2, और 36 को 36 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 1। अब इनको क्या करना है, बारी बारी से काम करना है। अगर मैं बोलूं कि किसने काम स्टार्ट किया, ए ने कार्य करना प्रारंभ किया, मैंने कहा चलो भाई ए से काम करना प्रारंभ कराते हैं, तो ए आया उसने अपना काम किया कितना, ए आया उसने तीन काम कर दिया, दिन कितने हो गया 1, पहले दिन ए ने काम किया तीन काम किया एक दिन कंप्लीट, फिर दूसरे दिन क्या आया बी आया, फिर बी ने काम किया कितना 2, काम कितना 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 हो गया हमारा 5 काम, और दिन कितने कंप्लीट हो गए 2। फिर से क्या होगा, तीसरा बंदा आएगा सी, ये क्या करेगा, ये भी आएगा और एक काम करेगा, दिन कितने हो गए हमारे 3 और काम कितना हो गया 3 और 2 5 और 1 6,
यहां हमारा अब फिर से क्या आएगा, ए आएगा। तो इसका मतलब क्या, मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां तक मेरी एक साइकिल कंप्लीट होगी, एक साइकिल कंप्लीट होगी। और कार्य कितना हो चुका है हमारा, तीन और दो पांच और एक छह काम। अब ये छह काम होने में एक साइकिल लगे, और एक साइकिल इस बार हमारा कितने दिन का है, इस बार क्या है तीन दिन का है, तो एक साइकिल में छह काम हो रहा है। ठीक है, फिर से क्या होगा, हमने ये 36 को डिवाइड करूंगा कितने साइकिल निकालने, मुझे नंबर ऑफ साइकिल निकालने, तो नंबर ऑफ साइकिल निकालने में करूंगा एक साइकिल में इतना काम हो रहा है, उससे क्या करूंगा पूरे काम को डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 36 को 6 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आ जाएगा हमारा 6। ये 6 क्या आ गया हमारे साइकिल आ गया, यानी कि 6 चक्र आ गए हमारे, जैसे कि ए बी सी, फिर से ए बी सी, फिर आएगा ए बी सी, फिर आएगा ए बी सी, तो ऐसे ही करके काम चलते रहेगा। तो ये नंबर ऑफ साइकिल निकालने के लिए हमें, इस नंबर ऑफ साइकिल निकालने के लिए क्या होगा, एक साइकिल में जो काम हो रहा है उसको पूरे काम से डिवाइड कर दूंगा, तो नंबर ऑफ साइकिल निकालेगा हमारे 6। अब दिन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा कितने, जितने एक साइकिल में दिन है, इस बार कितने हमारे, इस बार कितने तीन दिन है, तो डेज निकालने के लिए क्या करूंगा मैं 6 × 18, यानी कि काम के दिन तक चला हमारा 18 दिन तक। ये तो था जब हमारा कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा था, यानी कोई भी शेषफल नहीं बचा था। ये देखो 6 पूरा कट जाता 36 से, उससे पहले जो था नंबर वो भी हमारा पूरा कट गया था, तो यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं था। अगर रिमाइंडर होता तो ये जो की गई बात की एक कार्य गणना को प्रारंभ करता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगले क्वेश्चन में देखेंगे उस टाइप को, यहां तक क्लियर है कोई डाउट? तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 25 दिनों में करता है, यदि वे बारी बारी से कार्य करते हैं तो बी कार्य करना प्रारंभ करे। इस बार क्या कर रहा है, किसने बोल दिया कि बी कार्य करना प्रारंभ करे, तो कार्य कितनी देर तक चलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, एलसीएम निकाल लेंगे, कार्य की डिस्टेंस निकाल लेंगे। ए कितने दिन कर रहा है 20, बी कर रहा है हमारा 25, तो एलसीएम आ गया हमारा यहां से 100, इसकी विजेंसी 5 और इसकी विजेंसी 4। ठीक है, उसने बोला क्या है कि यदि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 25 दिन में करता है, यदि वे बारी बारी कार्य करते हैं और बी कार्य करना प्रारंभ करता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। उसके लिए हमने क्या किया कि ए की एलसीएम लिया, ए का 20 दिन, बी 25 दिन, एलसीएम लेके विजेंसी निकाल ली इसकी 5, यानी कि ए एक दिन में 5 काम करेगा और बी एक दिन में 4 काम करेगा। तो चलो कार्य करना कौन प्रारंभ करा इस बार, बी। ठीक है, बी आया, बी ने काम किया, कितना बी की विजेंसी कितनी है भाई, जितनी जिसकी विजेंसी होगी उतना काम करेगा एक दिन में आगे, बी की विजेंसी 4 है तो उसने एक दिन में काम किया 4। और इस बार फिर कौन आया बाद में, ए। अब ए की विजेंसी कितनी है 5, तो इसने काम किया 5। पहले दिन बी आया उसने 4 काम किया, दूसरे दिन ए आया उसने 5 काम किया, दिन कितने हो गए हमारे 2, यानी कि साइकिल कंप्लीट। फिर से ए बी आएगा 4 काम करेगा, ए आएगा 5 काम करेगा, यानी कि यहां से यहां तक मेरा 9 काम हो गए और दिन कितने हो गए 2, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट और हमारा 9 काम। इस बार साइकिल कितने की है 2 दिन की, क्योंकि 2 व्यक्ति है, 2 के बाद रिपीट हो जा रहा है फिर से बी और ए, तो 2 दिन के बाद रिपीट हो जाए तो साइकिल कितने की हमारी 2 की, और 2 दिन में 9 काम हो रहा है, तो फिर से हम नंबर ऑफ साइकिल निकालने के लिए क्या करूंगा, जितना एक साइकिल में काम हो रहा होगा 9 उसको डिवाइड करूंगा टोटल से। तो यहां डिवाइड करेंगे हम क्या करेंगे 100/9। अब देखो पिछली बार क्या था हमारा, ये जो नंबर था ये 9 से या किसी भी नंबर से पूरा डिवाइड हो जा रहा था, लेकिन इस बार क्या है ये नंबर से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, हम जहां तक डिवाइड हो रहा है वहां तक डिवाइड करेंगे। कहां तक डिवाइड हो रहा है, ये कितने बार डिवाइड हो रहा है 11 टाइम तक, यानी 11 साइकिल, प्लस बचा रिमाइंडर हमारा कितना 11 99, तो बचा कितना एक, एक काम बच गया हमारा, यानी कि एक हमारा वर्क बच गया।
अब जब हमने यहां तक कोई काम किया होगा, यहां तक हमारा 99 काम बच गया, 99 काम कंप्लीट हो गया और एक काम हमारा बच गया। अब देखते हैं, जब हमारा एक काम बच गया, 99 हमारे साइकिल कंप्लीट हो गया, 99 साइकिल का मतलब कितना है, इनको दिनों में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि डेज कितने हो गए हमारे, 11 गुणा 2 यानी कि 22 दिन तो हो गए हमारे कंप्लीट। अब 22 दिन कंप्लीट होने के बाद अभी तक काम हमारा पूरा नहीं हुआ, अब काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि हमारा काम एक बच गया है, तो देखेंगे कि बी काम, भाई साइकिल कंप्लीट होने के बाद कौन आता हर बार सुबह, बी आता, साइकिल यहां भी कंप्लीट हुई होगी, फिर से कौन आएगा, बी, क्योंकि बी ने कार्य करना प्रारंभ किया है, जिसने कार्य करना, जो कार्य करना प्रारंभ करता है वही क्या करता है, साइकिल के एंड होने के बाद में कार्य को शुरुआत भी वही करता है, तो इस बार कार्य की शुरुआत कौन करेगा, बी। अब बी एक काम बच गया हमारा, बी आएगा, क्या ये एक काम को कर देगा, एक दिन लेगा पूरा, नहीं, ये एक एक काम को, ये तो एक दिन में चार काम कर रहा है बाबूजी, कितना कर रहा है, एक दिन में चार काम कर रहा है, जब ये एक दिन में चार काम कर रहा है तो क्या ये एक काम को पूरा एक दिन कंप्लीट लेगा, नहीं, कितने दिन लेगा, दिन निकालेंगे क्या बोलो मैं, इसमें प्लस ये एक काम था यानी कि 1/4 डेज और ऐड कर दो, कितने हो जाएगा टोटल, ये दिन हमारे 11 सही 1/4 दिन। देखो सिंपल, रुको, काम कितने, साइकिल कितने कंप्लीट हुए, 9 से डिवाइड किए कितने साइकिल, 11, दिन निकालने मैंने कितने, अब एक साइकिल 2 दिन का है तो 22 दिन तो ये कंप्लीट हो गए, लेकिन फिलहाल अभी हमारा एक काम बचा हुआ है। अब जब एक काम बचा है साइकिल के कंप्लीट होने के बाद में कौन आ रहा था, बी, हर साइकिल कंप्लीट होने के बाद में बी आ रहा था, तो यहां पर 99 काम तक बी हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया, तो कौन आएगा, जिसने काम की शुरुआत की थी, और काम की शुरुआत किसने की थी, बी ने, काम हमारा बचा हुआ है एक, तो एक काम करने के लिए बी इसको 1/4 दिन में कर देगा, 22 दिन तो ये और 1/4 दिन ये, सॉरी 22 दिन, 22 सही 1/4 दिन, क्योंकि 22 दिन तो ये और जो बचा काम था एक, उसको भी 1/4 दिन लेगा, नहीं लेगा बी काम करने में, तो हमने ऐड कर दिया टोटल कितने हो गए हमारे, 22 सही 1/4 दिन। यहां तक कोई डाउट, क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि ए बी तथा सी किसी कार्य क्रम से 20, 15 और 12 दिन में कर सकते हैं, यदि ए कार्य करना प्रारंभ करे और बी तथा सी बारी बारी से उसकी मदद करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। इस बार क्या बोला उसने कि ए कार्य करना प्रारंभ करना है लेकिन बी और सी बारी बारी से उसकी क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, यानी कि अगर कार्य करना ए ने प्रारंभ किया, ए आया, तो पहले दिन क्या करेंगे, पहले दिन ए के साथ में कौन काम करेगा, बी, और फिर अगले दिन फिर एक ए तो कार्य पर रहेगा लेकिन बी चला जाएगा और बी की जगह कौन आ जाएगा उसके साथ, सी, ऐसे ही फिर से अगली साइकिल में आना, फिर से ए के साथ कौन काम करेगा, बी, और फिर बी चला जाएगा तो ए के साथ कौन काम करेगा, सी, यानी कि ए तो परमानेंट काम कर रहा है हमारा, ए क्या है, ए परमानेंट काम कर रहा है लेकिन बारी बारी से कौन आ रहा है, एक बार बी उसकी मदद करा रहा है फिर सी उसकी मदद करा रहा है, तो इस तरह क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे देखेंगे, सबसे पहले वही इफिशियंसी निकाल लेंगे इनकी, और इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ए कितने दिन में कर रहा है किसी काम को, बी इस दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, और सी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो इनका एलसीएम भी हमने कितना आया, यहां से एलसीएम हमारा 60 आ गया, जब एलसीएम 60 आया तो इफिशियंसी कितनी, 20 दिया 60 और इसकी कितनी 4, इसकी 5, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ए एक दिन में हमारा 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, सी एक दिन में 5 काम कर रहा है, ठीक है, तो कार्य करना किसने प्रारंभ किया, सबसे पहले देखें कार्य करना कौन प्रारंभ कर रहा है हमारा, ए, अब ए काम किया लेकिन ए अकेला काम नहीं करेगा, ए की मदद कौन कराएगा, पहले दिन बी तथा दूसरे दिन सी, तो पहले दिन कौन काम कराएगा, बी, ये हमारा एक दिन, अब ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन काम करेंगे, ये कर रहा है हमारा 3 काम और ये बी 4 काम, यानी कि एक दिन में कितना काम किया इन्होंने, 7 काम, एक दिन कंप्लीट हो गया, ये हो गया हमारा
डे वन कंप्लीट। जब डे वन कंप्लीट होगा, सात काम भी कंप्लीट हो गया हमारा, फिर से डे टू की बात करेंगे तो डे टू पे क्या होगा हमारा, एक काम पर है, एक कार्य छोड़कर नहीं जा रहा, काम पूर्ण छोड़कर जा रहा है बी, तो बी की जगह कौन आएगा हमारे यहां पर सी। ए कितना काम किया है, तीन, इसके साथ में सी ने काम किया होगा कितना, सी की विशेष कितनी है पांच, इसने काम किया, काम कितना हमारा आठ, यानी कि पहले दिन सात काम, दूसरे दिन आठ काम, फिर से ऐसे ही, फिर से भाई ए प्लस बी कितना काम करेंगे मिलकर के, सात काम, ये डे थ्री, ऐसे अगले दिन फिर से कोई ना कोई, ये ए और सी, यानी कि हमारा साइकिल ऐसे चला जाता है जब तक कि काम कंप्लीट ना हो। अब हमारा साइकिल कहां कंप्लीट हुआ, यहां कंप्लीट साइकिल नहीं, हमारा साइकिल कंप्लीट कहां हुआ कि यहां के बाद रिपीट होना स्टार्ट हुआ, भाई यहां तक तो बी था, यहां सी था, अब यहां के बाद रिपीट हुआ, तो इसका मतलब यहां तक हमारा एक साइकिल हो गया और काम कितना हमारा पंद्रह, साइकिल कंप्लीट और काम कितना हो गया हमारा पंद्रह काम, पंद्रह काम हमारा कितने दिन में हुआ, एक साइकिल में, एक साइकिल के बाद कितना है डे वन और डे टू, यानी कि एक साइकिल हमारा दो दिन का है, और साइकिल निकालने के लिए नंबर ऑफ साइकिल निकालने के लिए क्या करता हूं मैं, जितना एक दिन में काम हुआ है उसको टोटल काम से डिवाइड करता हूं, यानी कि जितना एक साइकिल में काम हुआ, एक साइकिल में काम हमारा कितना हुआ, यानी कि एक चक्कर में हमारा काम हुआ पंद्रह, पंद्रह से क्या करता हूं मैं साठ को डिवाइड, सॉरी साठ को पंद्रह से, तो कितने चार साइकिल कंप्लीट, इस बार भी क्या है हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि पूरे पूरे साइकिल आगे चार निकल गए, अब चार दिन, चार तो साइकिल है, दिन निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, एक साइकिल में दो दिन, तो दिन निकालने के लिए भाई चार दूनी आठ, यानी कि आठ दिन में हमारा काम क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। देखो दोबारा समझेंगे, एफिशिएंसी निकाल ली, सबसे पहले काम किसने स्टार्ट किया, उसने बोला कि ए कार्य करना प्रारंभ करता है, कौन ए, बी तथा सी बारी बारी से उसे क्या करते हैं मदद करते हैं, तो पहले दिन हमारा बी आएगा, बी आया, बी ने कहा भाई साहब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और कितना काम करूंगा तुम्हारे साथ मिलकर के, चार काम, तुम तो तीन कर ही रहे हो, प्लस तुम्हारे साथ में मैं चार काम और करूंगा, तो एक दिन में हमारा सात काम हो गया कंप्लीट, ऐसे फिर उसने कहा बी गया, चला गया बी, बी जब चला गया तो बी के स्थान पर कौन आएगा सी, ए के साथ में सी काम करेगा, और सी की एफिशिएंसी है पांच, उसने काम किया कितना तीन, इसने पांच, ने तो इधर ने काम किया आठ, जब आठ काम कर दिया हमारा साइकिल कंप्लीट होगी पूरी, फिर से रिपीट स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब साइकिल नहीं कंप्लीट होगी हमारी, तो दो दिन में पंद्रह काम हुआ, यानी कि एक साइकिल में पंद्रह काम, और साइकिल निकालने के नंबर ऑफ साइकिल निकालने के लिए क्या करूंगा पंद्रह को डिवाइड, पंद्रह से डिवाइड करूंगा इसको साठ को पंद्रह से डिवाइड, यानी कि मेरे चार चक्र, चार साइकिल आ गए, और साइकिल को दिनों में कन्वर्ट करने के लिए जितने एक दिन में एक साइकिल में दिन होते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे पहले मैंने देखा था कि एक साइकिल में तीन दिन थे तो तीन से मल्टीप्लाई किए, इस बार क्या फिर से वही दो दिन है तो मैं क्या करूंगा दो से मल्टीप्लाई, यानी कि चार दुनी आठ दिन, तो कितना आ गया आंसर हमारा आठ दिन, ठीक है ना, कोई डाउट, तो ये पढ़े हमने आज असाइनमेंट वर्क के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाली वीडियो हमारी बहुत ही अच्छी होने वाली है, हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सीरीज जो कि आपको ग्रुप डी के आने वाले क्वेश्चन में प्रीवियर कराएंगे, जो कि आपकी पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, तो जाके वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।